अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं। आज जो वीडियो है ये है क्लास नंबर 2 की, जो गवर्नर हाउस से लाइव आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की गई है। फर्स्ट क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर हफ्ते एक एक क्लास, ऑन साइट क्लास आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलती रहे। और मैं ज़रा ये बता दूं कि ये जो क्लास है आज की, इसमें थोड़ा सा वॉइस का आप लोगों को मसला हो सकता है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग पूरा टाइम निकालें, 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी निकाल सकते हैं, इस वीडियो को बगैर स्किप करके देखिए, ताकि आपको बिल्कुल वैसे ही फील आए जैसे आप लोगों को गवर्नर हाउस में कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो मेमोराइज़ नहीं हो पाती। तो आप लोग इसको हैंड्स फ्री लगा कर सही से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को एडिट नहीं किया गया ताकि आप लोगों को बिल्कुल रियल क्लास का फील आ सके, ताकि उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर्स भी होते हैं। तो इस वीडियो को एडिट नहीं किया जा रहा। अगर कोई जगह ऐसी आती है जहां पर पॉज होता है या कुछ खामोशी होती है या कुछ होता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, मेरा सवाल ये है टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वही आगे वाली स्लाइड्स में हम ये चीज कवर करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट है क्या। मैं सिंपल से दो वर्ड बोलता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज होती है? आपका क्या नाम है? आगे जो बैठे हैं जी, मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद, अच्छा क्या करते हैं आप? पढ़ा। अच्छा, मैं इनसे अभी जो बातचीत कर रहा हूं या मैं आपसे भी अगर कम्युनिकेशन करूं तो मुझे आपकी बात समझ आनी चाहिए और आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए, ऐसे ही। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? लैंग्वेज। तो हमें कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो कंप्यूटर को समझ आता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे? शुरू में टाइपस्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले भाई हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज समझ आती है? बाइनरी लैंग्वेज, 0101, जो इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, 0101, ये वाली लैंग्वेज समझ आती है कंप्यूटर को। और हमें इंग्लिश उर्दू ये वाली लैंग्वेज आती है। एक हमारे पास चीज होती है लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस इमेज को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर समझ सकता है, इंसानों को समझने में बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल लैंग्वेजेस होती है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज। 0101 करके हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम कोड लिख सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसमें हम कोड लिख रहे होंगे इंग्लिश में, और कंप्यूटर वो चीज समझ रहा होगा। तो इस हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि भाई हमें भी लिखने में आसानी होगी, हमें भी समझने में आसानी होगी और कंप्यूटर को भी समझने में आसानी होगी। अच्छा, कंप्यूटर से बातचीत करनी क्यों है? मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है। एक सेकंड, मैं पूछता हूँ, मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है।
आती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, और इस तरह की जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स होती है उनको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन फूड पांडा हो गई, एंड्रॉइड हो गई, बाइकिया हो गई, इस तरह की जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उन्हें मोबाइल एप्स कहते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की एग्जाम्पल जी एक्सेल, एक्सेल अगर आपने इंस्टॉल किया है वो भैया आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पर मेरे पास जूम इंस्टॉल हुआ है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो जब मैं एप्लीकेशन का वर्ड यूज करूँगा तो इसका मतलब यह है कि भाई मैं तमाम जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास हो सकती है, चाहे वो मोबाइल की हो, वेब की हो या डेस्कटॉप की हो, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन का वर्ड मैंने इसलिए आप लोगों को बताया, मुझे बात बता ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज करूँगा जो आप लोगों के साथ होता होगा कि बड़ी नहीं समझ आता, ऐसा होता है कि भाई मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें से कोई आपको बड़ी ना समझ आए, जब ऐसा होता है तो आपको ये टॉपिक जो है कंफ्यूजन ही रहती है। मेरी कोशिश ये होगी कि भाई आप लोगों को वर्ड्स समझाऊं, वर्ड्स पता होना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछे एप्लीकेशन क्या होती है क्या जवाब दोगे, पता होना चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या लिखा है आजकल का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजीज है, जितनी भी आपके पास एप्लीकेशन है, वो किस पे लिखी गई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है ताकि हम भी ऐसी बड़ी एप्लीकेशन बना सकें, खूब पांडा जैसी एप्लीकेशन बना सकें। हमारे पास वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट, अब ये सवाल आता है, हमने अभी तक ये भी डिस्कस किया टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है, उसको हम थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज करेंगे कंप्यूटर से बात करने के लिए या कंप्यूटर से कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए मैं हमारे पास कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है आप लोगों को पता होगा, टाइप स्क्रिप्ट और कोई लैंग्वेज, जावा, पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो तो कोई एचटीएमएल नहीं बोलना, अच्छा सी प्लस प्लस, सी शार्प, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, जब इतनी सारी है तो टाइप स्क्रिप्ट ही पड़ेगा, लेकिन डिमांड में टाइप स्क्रिप्ट डिमांड में है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन यूज कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हर जगह टाइप स्क्रिप्ट ही चल रही है, बाकी लैंग्वेज की तो मैं खत्म हो गई थी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है, शार्क टैंक कितने लोगों ने देखा, इंडिया, अच्छा उसके अंदर भाई एक जज होता था अमित गुप्ता नाम के, अच्छा वो कहते थे कि भाई एक इंडस्ट्री में एक ही मुद्दा हो सकता है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वेब डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वहां पर हुआ है, इसका मतलब यह है कि भाई एक्सटेंसिवली मैं जूम कर देना, एक्सटेंसिवली जो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन बनती है वो मोस्टली टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रही होती है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जो अभी रिसेंटली आप सबको पता ही होगा चैट जीपीटी, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट जो है जितनी भी बड़ी वेबसाइट होती है टाइप स्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है वहां पे वहां का क्या है गुंडा। इसी तरह से भाई पाइथन कहां पे यूज होती है ज्यादातर, डेटा साइंस, आसान वर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से गेमिंग की इंडस्ट्री से भी है,
गेम खेलते हैं या बनाते हैं? मैं बनाने वाले की बात कर रहा हूँ जी। कोई सी शार्प वहां पे, सी प्लस प्लस, सी शार्प सबसे ज्यादा वहां चली होती है। तो हर लैंग्वेज की थीम्स है। हमने नेक्स्ट क्वार्टर में क्योंकि वेबसाइट बनाना सीखनी है, ताकि हम जो है ऐसी वेबसाइट बना सके जिसपे हम एआई जो हम थर्ड क्वार्टर में पढ़ेंगे वो भी हम मिला सके। जैसे चैट जीपीटी है, अगर आपने चैट जीपीटी यूज करना है आप कैसे यूज करेंगे? उसकी वेबसाइट पे जाकर। तो हमें वेबसाइट बनाना आनी चाहिए जो सेकंड क्वार्टर में। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या आनी चाहिए? टाइप स्क्रिप्ट। बिरयानी बनाने के लिए लोग आते हैं तो ग्राइटी का नहीं लेगी मतलब हमें। चले कोई नहीं, कितने लोग हम लोग, चार पाँच ही लोग, तो कभी दिल करे तो ला सकते हैं। अच्छा, मसाला भी रखिएगा। अब बिरयानी बनाने के लिए, अगर आपने बिरयानी बनाना सीखनी है तो आपको सबसे पहले चीज क्या पता होनी चाहिए? इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स होते क्या है। अच्छा, हमारा रहने की जगह पुदीना आता है तो कहाँ इंग्रीडियंट्स पता होंगे? तो इंग्रीडियंट्स पता होने चाहिए सबसे पहले, वो कौन सी क्या चीज है, तभी आप बिरयानी बना सकते हो। इसी तरह हमारे जो क्वार्टर बने हैं उसको हमने ऐसे डिजाइन किया है कि सबसे पहले हम इंग्रीडियंट्स देखेंगे क्या क्या होगा, फिर उन इंग्रीडियंट्स को देख के समझ के हम क्या बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे अगले क्वार्टर में, यानी कि वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इस क्वार्टर में मेनली आपका जो गोल होगा वो होगा बिल्कुल फंडामेंटल्स इंग्रेडिएंट्स सीखना। तो उसमें जाहिर है थोड़ी भूलें थोड़ी थोड़ा इंग्रेडिएंट्स सीखे बिरयानी कर पाएंगे, लेकिन क्या इंग्रेडिएंट्स सीखे बगैर आप बिरयानी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये चीज है क्वार्टर डन। अगर आप सही तरह नहीं कंप्लीट करते क्वार्टर थ्री में आगे नहीं बढ़ सकते, आपको आएंगे यही चीजें। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं जिसके अंदर हमने टाइपस्क्रिप्ट यूज करेंगे। हमारे पास और भी फैकल्टीज है, पीछे वाले लोगों के सवाल है तो आप लैंग्वेज करेंगे, मैं भेज दूंगा किसी को। आपका सवाल है, पीछे से सवाल आया, खड़े हो पीछे, लैंग्वेज खड़े हो जाए ताकि आप दिख जाए पीछे बैठे हो। यहाँ से अगर किसी ने लैंग्वेज किया तो घर के पास सर कहाँ बैठे हो भाई, इसका सवाल का जवाब मैं बता दूं, लेकिन थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट कवर कर लें, आप दोबारा पूछिएगा, आप एंड्रेस कर लेगा मुझे याद आ जाएगा सवाल आपको, ठीक है, खड़े हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ लिया, वो चीज मैं छेड़ूंगा तो आगे चीज आ जाए।
अच्छा डॉक्टर मेडिकल की फील्ड से हो गई काफी सारे आर्किटेक्ट कर उस फील्ड से है। अच्छा ये बैठे ये बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है जी आपको एक चीज बताई कि हर इंडस्ट्री का एक ही मोनोपोल है। अब टायर स्लिप की कौन सी इंडस्ट्री है? बेल्ट डेवलपमेंट। लेकिन क्या हमने सिर्फ इस कोर्स में बेल्ट डेवलपमेंट रखना? हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी है। उसके लिए भाई वहां का गुंडा कौन है? तो इसलिए वहां के लिए हमें पाइथन सीखनी पड़ेगी, लेकिन वो थोड़ा आगे जाके हम सीखेंगे। फिलहाल हमारा कंप्लीट फोकस टाइप स्क्रिप्ट पर है। अच्छा जी बिल्डिंग वन बना रहा हूँ आर्किटेक्ट हो रहा है पूरी टीम मजबूत हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट इसी तरह डेवलपर्स क्या करते हैं? एप्लीकेशंस बनाते हैं। एप्लीकेशंस की डेफिनेशन मैंने बता दी। पूछिए कौन है शुरू? जी सर पूछा एप्लीकेशंस डेवलपर्स बनाते हैं। और डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपने क्या चीज सीखनी होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो कि हम सिखाएंगे। बट ये चीज है 30% सिखाएंगे सर, उससे आगे सिखा नहीं सकता। 70% आपने सीखना है। आज मैं बताऊंगा गाइडेंस पूरी पूरी दूंगा। कोई मसला हो आप बैठ लो क्लास के बाद, मैं आपका सॉल्व करके दूंगा, छुट्टियां नहीं करूंगा। लेकिन यार ये 70% में चाहते भी नहीं करा सकता, तो आपको ही करना है। अच्छा डेवलपर्स क्या होते हैं मुझे एक बात बताएं। सबसे पहले तो डेवलपर्स का काम ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे। फॉर एग्जांपल फूड पांडा ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि भाई लोगों को मुश्किल होती है, अगर कहीं बाहर खाना लेने जाना है तो उनको जाना पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट करो फिर उसके बाद खाना लेने जाओ, वहाँ लाइन में लगो खाना लेकर आओ। ये प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई करी, फिर उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाला कि भाई एक ऐसी एप्लीकेशन हो जो कि घर बैठे बैठे आपको खाना डिलीवर कर दे। इससे क्या फायदा हुआ कि भाई कल को अगर आपने मेरे घर में कुछ खाना भेजना हुआ तो आप आराम से भेज सकते हैं। एड्रेस आप मुझसे लिखवा देगा, आप आराम से भेजें, कोई झिझक की बात नहीं, बस नाम बता देंगे और दिन भी बता देगा, पता चले एक टाइम पे दो लोगों ने भेज दिया, अलग अलग टाइम पे भेज देगा। अच्छा तो डेवलपर्स क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आप लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आए होंगे, हो सकता है कोई सिविल इंडस्ट्री से आए हो, कोई क्या कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्री से आए हो, और जितनी भी बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हैं। आप लोगों ने अपनी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम फेस करी होगी जो आप चाहते हैं कि उसको सॉल्व करना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर ली, और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किससे निकल सकता है? टेक्नोलॉजी से, जो आप इस कोर्स में सीखे। वो डेवलपर आप बनोगे, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हो। तो मुझे बताए कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उसका आपने क्या सोल्यूशन सोचा है? आप में से जो जिन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस किया और बताना चाह रहे हो कैसे होगा वो आगे वाली चीज छोड़ दे। यहाँ पे माइक ले लेना, कौन है यहाँ पे माइक किसके पास है? मुस्तफा माइक भेजना है यहाँ पे, और कोई जब तक हमारा माइक वहां पे पहुंच रहा है, आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, उसका सोल्यूशन भी आपने सोचा है।
फाइबर नहीं,
लिंक्डइन सबसे अच्छा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। तीन तरह के डेवलपर्स आपके पास होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक डेवलपर। हमारा जो मेनली फोकस होगा पहले जो पहले क्वार्टर में, बल्कि अभी हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो सेकंड क्वार्टर स्टार्ट होगा, उसके अंदर हमने हमारा जो फोकस होगा हमने क्या करना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है। क्योंकि फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक है क्या? अगेन फूड पांडा की एप्लीकेशन जब आप खोलते हैं तो भाई आपको बहुत सारे बटन दिखते हैं, बहुत सारे खाने की पिक्चर दिखती है, बहुत सारे आपके ऑर्डर प्लेस करने का पूरा आपको डिजाइन दिखता है, जिसको आप यूज करते हुए एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो। ये वो हिस्सा है जो जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, जो आप एज ए यूजर देख सकते हो, यूज कर सकते हो, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। तो इसको बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए डेवलपर्स, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। फिर हमारे पास आते हैं बैक एंड डेवलपर्स। बैक एंड डेवलपर्स क्या होते हैं भाई? अब जैसे आप लोगों का अगर कोई कार्ड पे अटेंडेंस की बात कर लेते हैं, सब अटेंडेंस लगा के बैठे तो पीछे वाले गेट से नहीं आया, सही है। अब अटेंडेंस जब आपकी लगती है तो आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन दिखती है, नहीं आप लोग क्या करते हो, आप अपना कार्ड दिखा दो, आपकी अटेंडेंस लग जाती है। वो जो पार्ट है कि भाई आपका डेटा, आप सबका डेटा कहीं ना कहीं हमने स्टोर करके रखा है ताकि हम देख सकें ना आप स्टूडेंट हो या नहीं। वो जो जहां आपका डेटा स्टोर किया हुआ है उसको बनाया है सर, नाम है उसको बनाया, उसको बना के अब उस वो कौन यूज कर सकता है सर? सर नाम कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपर कर सकते हैं। तो ये जो चीज बनाते हैं ना बैक एंड वाली, यूजर नहीं देख सकते, आप लोग नहीं देख सकते सर, आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए, आप लोग नहीं देख सकते। वो सिर्फ एडमिन देख सकते हैं या बैकएंड डेवलपर जो है वो देख सकते हैं। वो ये बैकएंड वाली फंक्शनैलिटी जो है, बैकएंड वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं। फिर पांडा के अंदर जो आप तो सामने सामने ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे आप प्लेस करते हो, प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर कैसे आपके रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, बैकएंड डेवलपर की हेल्प से। बैकएंड डेवलपर की जिम्मेदारी है कि वो आपका ऑर्डर रेस्टोरेंट तक पहुंचाए। बैकएंड पे आपको नहीं दिखेगा कैसे जा रहा है, आपको तो फ्रंट एंड दिखता है। तो बैक एंड डेवलपर होता है जो बैक एंड पे काम करता है, फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड पे। हमें क्या करना है, भाई अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो ना, अभी सर जिला के पास एक बंदे का, एक बच्चे का मैसेज आया स्टूडेंट ही थे, वो बोला सर मैं दुबई पहुंच गया, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मेरी कोई रेफरेंस से जॉब लगा। सर जिया ने हमने जवाब दिया भाई तैयारी से नहीं जाओगे तो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करोगे आप? आज पाकिस्तान मुझे पता है बहुत सारे लोग जाने के चक्कर में हैं, जाते हो पाकिस्तान से बाहर, क्या करोगे वहाँ जाकर? वही करोगे जो आजकल कर रहे लोग, रेस्टोरेंट पे काम करोगे, कुछ इस तरह के काम करोगे। अगर आप यहाँ से सीख के नहीं जाते भाई, पहले सीख लो, अच्छी चीज है, मैं तो यही कहूंगा यहाँ से बैठ के आप काम करो, अपॉर्चुनिटीज, बट पहले हमें सीखना है। तो फुल स्टैक डेवलपर्स की सबसे ज्यादा डिमांड है क्योंकि उसको फ्रंट एंड वाला पार्ट भी आता है और बैक एंड वाला पार्ट भी आता है। क्या आप लोगों को इस कोर्स के लिए कोई डिग्री चाहिए? क्या आपको इस फील्ड पे काम करने के लिए डिग्री चाहिए? आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, सामने वाला बोलेगा आता क्या, आप बोलोगे टाइप स्क्रिप्ट आती है, तो सवाल पूछ लेगा पता चल जाएगा। तो हमने अच्छे से पढ़ लिया टाइप स्क्रिप्ट। अगेन अब आते हैं मेन चीज, पहले दो मिनट हम क्या करते हैं हजम करते। सोचे आप लोग भाई दो दरिया में मजे से आप उसी में समुंदर की रेलिए चल रहे हैं, आप जैसे टेक लगा के मखनी हांडी खा,
था कि मेरे लिए भी आए नहीं थे। साथ में कोई करना पड़ेगा। अच्छा दो का डाल मैं देखता हूँ आप लोगों में से ना होते एक जिनको ना ये पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है जो मैं पढ़ा एक मैं एक टॉपिक भी पढ़ा दूँ ना दूसरी तरह के जो लोग होते हैं ना उनको मैं एक टॉपिक भी पढ़ा दूँ उनको जमाई आने लगी बोर होने लगी। मसला यह है कि मुझे और कुछ आता नहीं है पढ़ाने के अलावा मतलब एंटरटेनमेंट के लिए कर लेता कोशिश। बट अब ये मसला है भाई यहाँ तो मैं 30% करा दूँ 70% घंटे ऐसे बच्चे का साइकिल यूट्यूब खोल लोगे तो यूट्यूब पे लगे रहोगे कोडिंग होगी। देखो शौक हमें पैदा करना होगा इस चीज़ का। अगर आपने इस फील्ड पर सर्वाइव करना है ना तो आपने शौक पैदा करना होगा। जिन लोगों ने अभी टाइम स्क्रिप्ट के जो तरीके आए थे प्रैक्टिस जिन्होंने स्लाइड्स कवर करी हुई वो ड्रेस लेके पढ़ रहे होंगे और जिन लोगों ने नहीं कवर करी उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जमा ले रहे होंगे। अब उसमें मसला ये कि आपको ना शौक नहीं है इस चीज़ का। शौक कैसे बिठाएंगे? शौक बिठाने का तरीका कि मैं शुरू में फोर्सफुली उसको एक दफ़ा स्क्रीन में घुसा दूँ एक दफ़ा फोर्सफुली। आपको दिल नहीं करेगा भाई इसका दिल करता है हजार हजारों का कोड लिखो जब तक आपका शौक नहीं पैदा होगा आप कोड नहीं लिख सकते आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। शौक पैदा करने के लिए आप जब कोड फिली को इस पर लगाओगे ना तो यकीन करो जो लोगों ने अभी हेलो वर्ल्ड बनाया है ना वो बड़े खुशी खुशी आएंगे यहाँ मैंने हेलो वर्ल्ड बनाया है अब तक तो हिंदू में कॉल आएगी तो एक्साइटमेंट होती है कुछ आप बनाओ ना कुछ तो एक्साइटमेंट होती है सही है जिन्होंने बनाया मजा आता है कोडिंग करने में। तो ये चीजें अगर आप नहीं करोगे तो शौक पैदा नहीं होगा फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। और तीसरी तरह के लोग हैं जिनको गर्मी लग रही है उनके लिए भाई माजर कुछ अर्से में भाई होपफुली नेक्स्ट क्लास तक ये एसी सारे वर्किंग हो जाएंगे तो फिर आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा अब मैं टाइप स्क्रिप्ट कर रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चीज़ें मैं समझ रहा हूँ। ये टाइप स्क्रिप्ट का जावा स्क्रिप्ट से क्या लिंक है कि दोनों में स्क्रिप्ट आता है उनको माइक अच्छा आपने कोशिश करनी है कि ऐसा जवाब दें कि आप मुझे नहीं बता रहे आप इसको पढ़ा रहे माइक पर लिखो डीएफटी में साइन का टाइप स्क्रिप्ट माइक पर लिखो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं जानता तो उसके लिए वो कोड को जावा स्क्रिप्ट में बना देना ठीक है उसके लिए टाइप स्क्रिप्ट और जावा में लगाने के लिए भाई इंजीनियर ने क्या किया टायर लगाए सारे स्क्रू लगा दिए
एक स्क्रू जो है वो गलत लगा है, गलत साइज का लगा है। अच्छा, अब कोई भी बंदो उस गाड़ी को देखेगा, उस गाड़ी में कोई नुकस नजर आएगा, कोई प्रॉब्लम नजर आएगी नहीं आएगी, क्योंकि भाई एक स्क्रू किसको पता चलेगा। बट जो बंदा उस गाड़ी को खरीद के चलाएगा उसे क्या टायर मिल गया, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, गाड़ी क्रैश हो जाएगी सिर्फ एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से। क्या होता अगर आप गाड़ी बनाते हुए अगर वो इंजीनियर जब स्क्रू लगा रहा था लगाते उसे पता चल जाता मशीन के जरिए कि भाई गलत स्क्रू लगा, तो आपकी वजह हो जाती काफी, गाड़ी बच जाती, काम आसान हो जाता, जल्दी आपको पता चल जाता कहाँ गलती है। टाइप स्क्रिप्ट इसी तरह से जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हम यूज करते हैं कंप्यूटर से, मेनली हम यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, लेकिन अब जो है जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है, हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ये मसला है, ये वाला मसला, क्या आप पूरी गाड़ी बना दो छोटी सी आप गलती कर दो ना जावास्क्रिप्ट नहीं बताएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट बना लू, मैंने उसमें एक छोटी सी गलती कर दी, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ वेबसाइट बना रहा, अब उसमें मैंने छोटी सी गलती कर दी, जावास्क्रिप्ट आपको नहीं बताएगी उसको। जब आप उस वेबसाइट को चलाओगे वेबसाइट क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। इसलिए हम जब कोड लिख रहे हो गए ना तो हम जावास्क्रिप्ट ही नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट, ताकि आप टाइपस्क्रिप्ट क्या करते हैं जब आप कोड लिख रहे हो, अगर आपने कुछ लिखने में गलती कर दी तो टाइपस्क्रिप्ट आपको उसी वक्त बता देगा। फिर आप जब उसको चलाएंगे तो आप चलाने से पहले आपको जब पता चले तो आप उसको फिक्स करेंगे फिर चलाएंगे, तो ये डिफरेंस है टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट है, जो चीजें टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है वो सारी आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर है, मगर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कुछ एडिशनल चीजें भी हैं आपके पास। तो अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट सीख लूं तो जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, आ जाएगी, जो चीजें जावास्क्रिप्ट में वो सारी टाइपस्क्रिप्ट में हम सीखेंगे, तो आपको जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगी। हम इसलिए डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट, अब एक मसला समझ तो आ गया, टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है कोड लिखने के लिए, लेकिन हमारा जो ब्राउजर होता है ये मेरा ब्राउजर है, ये ओपेरा का ब्राउजर है जहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट देख सकता हूँ। हमारा जो ब्राउजर है ना उसको टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझ आता, उसको क्या समझ आता है, जावास्क्रिप्ट समझ आती है। अब हम ये चीज देखेंगे भाई हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमें चलाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी उस टाइपस्क्रिप्ट की जो हमने लिखी है, हम क्या करते हैं हम जो है टाइपस्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे, एक कमांड चलाएंगे, एक लाइन लिखेंगे हम, उसको एंटर जैसे ही करेंगे वो आपकी पूरी टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में बना देगा, कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस जावास्क्रिप्ट को आप क्या करेंगे, चला देंगे अपनी वेबसाइट। तो ये यहां पे कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां पे देख रहे हैं ये आपके पास टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट है, जब आपने चलानी है तो आपके पास एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ये क्या करता है, ये कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो क्या कर रहा है आपकी टाइपस्क्रिप्ट को ले रहा है आपसे और जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देगा इस तरह से। एंड अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये सारे एडवांटेजेस हमने देख लिए मेरी एग्जांपल पे कि भाई क्या फायदे हैं टाइपस्क्रिप्ट से। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट से हमें क्या फायदे मिल रहे हैं, आपका जो कोड है उसको मेंटेन करना आसान हो रहा है, उसको लिखना भी आसान हो रहा है। कैसे, जब हम लिखेंगे
आपको पता चलेगा। इसमें से अगर मैं 5-6 नाम भी लूंगा आप लोगों को पता नहीं होगा, सिर्फ एक बार समझ आ रहा है। उसके अलावा गेट आई विल बी, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो चीजें हैं जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते रहेंगे वैसे वैसे हम इसके फायदे देखते रहेंगे। तो हमने देख लिया कि भाई टाइपस्क्रिप्ट यूज करना चाहिए, जावास्क्रिप्ट हम चलाएंगे, लेकिन कोड हम किसमें लिखेंगे? कल को जब आप लोगों को पता है आप लोगों के कोर्स में वेब डेवलपमेंट भी है, ऐसे ही है, अब है सेकंड क्वार्टर में चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, किस पर बनी है? टाइप स्क्रिप्ट पर बनी है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के साथ एक और चीज जो यूज कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर, जो क्या नेक्स्ट क्वार्टर में सीखो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जिस पर बनी है वो भी टाइप स्क्रिप्ट है। तो इतनी बड़ी एप्लीकेशन चैट जीपीटी जिसमें 5 दिन में 10 लाख यूजर आ गए ऊपर भी चलती है। यहाँ पे आप रिजल्ट वाले दिन वेबसाइट खोल लो पता चल जाएगा। तो जो हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेमवर्क है वो भी टाइप स्क्रिप्ट यूज कर एक बार आना इसको आ रहा कौन सा वाला लेफ्ट वाला राइट वाला राइट वाला आप दिल से बनाए तो कौन सा वाला बनेगा? एक्सपेक्टेशन वाला बनेगा, लेफ्ट वाला राइट वाला? अच्छा, यही आपके पास होता है जब आप जावास्क्रिप्ट से कोड करते हो। आपका प्रोग्राम हो सकता है इस तरह का बनेगा क्योंकि आपको वो गलतियां बताएगा नहीं। और जिस तरह का कब बनेगा जब भाई आपने हो सकता है इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल दिए, हो सकता है भाई पानी ज्यादा डाल दिए, हो सकता है दूध कम डाल दिए, तो जावास्क्रिप्ट आपको ये नहीं बताएगा कि भाई क्या चीज कम डाल दिए क्या चीज ज्यादा डाल दिए। तो इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं ताकि एक्सपेक्टेशन वाला जैसा एक है। मेरी बर्थडे जो है वो 28 अक्टूबर को आती है, तो जिनको आता है वो अच्छा टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा सर जिया क्या कहते हैं? सर जिया कहते हैं कि भाई टाइप स्क्रिप्ट इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर क्रिएटिंग रिलायबल अनमेंटेनेबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। टाइप स्क्रिप्ट आपके पास ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज हो सकती है। एप्लीकेशन की डेफिनेशन बता चुका हूँ, पूछो वापस पूछते हैं और एंडर नहीं पूछेंगे, एंड्रेस करते तो नहीं पूछेंगे। अच्छा भाई यहाँ से मेरा पुराना कोई स्टूडेंट है नहीं चाहे तो बात। अच्छा जी माइक हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे जी, आप ग्लासेस जी मैंने लगाऊंगे Yeah.
सारे माइक खराब थे, चैरिटी क्या ठीक है? अच्छा एप्लीकेशन क्या होते हैं? तीन एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, कौन है आप इनकी बहन है? मोबाइल एप्लीकेशन तो इतना आसान है, टेंशन की बात नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि आज थोड़ा आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें ताकि कल को आप लोग जो है मुझे रिप्लेस कर दें और मैं आराम से वहाँ बैठ कर बिरयानी खाऊँ। वो कहते हैं बिरयानी, मैं आप लोग भी ऐसे बताऊँ। चले बहुत बुरी थी भी। ना? लेकिन क्या करें, पढ़ना भी जरूरी होता है। मेरा बस चलेगा, मैं जल्दी नहीं पढ़ रहा। प्रॉब्लम क्या है, कल को जब आप गोले के पास जा रहे हैं, मैं तो गोले फेंकना है ना, लेकिन गोले के पास क्या होता है? डॉलर। तो भाई उनको घेरने के लिए आपको ये चुनी पता होनी चाहिए। आप देखो, मैं आपको इतनी लंबी चुनी पढ़ा दूँ आपको कुछ समझ नहीं है, लेकिन आपको ये होगा कि यार सर को आता तो बहुत है, क्वेश्चन में गलत पढ़ाओ। लेकिन चुनी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं एक मिनट और रुक जाता हूँ, फिर से हूँ जो रह गया था हमारा क्या मुझे हंडी रह गई थी वो दोबारा से कर लिया। अपनी जवाब है जिसको खड़े होकर वापस बैठना इंग्राइज नहीं लगी था, रिलैक्स हो गया। थोड़ा सा उधर कर दो, ये थोड़ा टेंशन कम हो जाएगी। थोड़ा सा उधर कर दो, लड़के यार इसको थोड़ा सा उधर कर दो, ये बीच में टेंशन हो रही है ना, ये कम हो जाएगी। हाँ अंदर कर जाएगा, मैं कोई अंदा चढ़ के चले आएगा, छोड़ दो भाई। ये ना टूटे अंदा गिर जाए नहीं यार, फिर भी तार तो आ रहा है। अच्छा वो भाग गया, इंस्ट्रूमेंट से कैसे बात कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा 10 दिन में भाई, 9 दिन में आपके पास जावास्क्रिप्ट बनी, तो उसमें
करोड़ एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं 2016 में 48 के बाद। अच्छा अगर वो जावास्क्रिप्ट ही फिक्स करें ना तो पिछली पुरानी सारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएंगे, ये मसला। इसलिए जावास्क्रिप्ट को हम वो नहीं कर सकते, टाइपस्क्रिप्ट जैसा नहीं बना सकते, काम हो रहा उसकी सिमिलर जैसी फंक्शनैलिटी पे, लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट थोड़ा केपेबल नहीं हुआ। इन फ्यूचर शायद कोई टेक्नोलॉजी को ऐसी है जिससे जावास्क्रिप्ट ये वाला प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर दे तो बैलेंस, अभी तो ऐसा नहीं है। जी चलिए आपका जवाब।
तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। तो अब हम फाइनली इसे जो हिंदी वाला पार्ट था ये मेरे लिए हमारी फर्स्ट क्लास तक ही है। अगली क्लास से हमारी कोडिंग एग्जाम्पल कोडिंग एग्जाम्पल भी चलिए उसकी तैयारी करके आनी उनको। Node.js इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? अच्छा यहाँ पे जो PCs हैं उनमें ज़्यादातर में DBA जिनके चाहिए Node.js इंस्टॉल हो गया। अभी मैं बताऊँगा कैसे चेक कर सकते हैं जिनके पास कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप है इंस्टॉल नहीं करते हैं। कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं कम हो गया मैं कर लूँगा इससे बाहर आप कर नहीं सकते हैं। स्लाइड अवेलेबल है स्लाइड से लेके कर लो कोई मुश्किल हो मुझसे पूछ लेना मैं कर रहा आपके लिए बात कर। अच्छा क्या नाम है सिंपल ये आपके पास लिखा है इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर जाके आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया। सॉफ्टवेयर तो कुछ ना कुछ तो आपने इंस्टॉल किया होगा ना कुछ नहीं तो जूम में इंस्टॉल किया होगा कभी ना कभी। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपने सिंपली इसको क्लिक करना है ये आपके पास भी इंस्टॉलेशन पे लगा। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी Node.js की। अच्छा क्योंकि मेरे पास पहले से हुआ तो ये फाइल मेरे पास पहले से रखी हुई होगी ये होने वाली है तो थोड़ा सा टूट जाए। और मजे की बात कि भाई आपकी स्लाइड्स में ये सारे स्टेप्स एक एक करके बड़े अच्छे से डिफाइन किए गए सर ने तो कोई मुश्किल नहीं है इंस्टॉलेशन। तो मैं मेरा इंस्टॉलेशन भी हो गई है मैंने कुछ नहीं किया इसमें भाई क्लिक किया अब ये मेरे पास खुल जाएगा ये वाली स्क्रीन आ गई जो पीछे स्लाइड्स के अंदर है। क्या करना है अच्छा मेरे पास पहले से हुआ हुआ है या मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फिर इस वेट वाइल सेटअप के थोड़ी देर में नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये आ गया नेक्स्ट आपने करना है ये पता है भैया आपको सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट 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 करके नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ नहीं करना नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना या कुछ भी ऐसी चीज इस्तेमाल होती है नजर आई
प्रोग्राम से मंगाए किसी पूछे ठीक है एग्रीड तो ये भी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सेस पॉइंट मिल जाएंगे वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा लेकिन उसको पॉजिटिव हो चुकी है। दूसरा इन कंप्यूटर के नीचे अगर आप लोग जाके बैठे और कंप्यूटर का काम निकाल के अपना लैपटॉप लगा लेंगे मुझे प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली सब के लिए हो जाएगा। स्पेस माइनस वी
तो इससे आपको वर्जन बदल मिला है। एक और चीज का मुझे वर्जन दे रही है NPM माइनस वी। अब ये NPM क्या चीज है आगे डिस्कस करेंगे क्या सभी अभी डिस्कस कर देंगे सब अभी पढ़ाएंगे। तो NPM माइनस वी मतलब NPM कुछ हमारे पास है जो के इंस्टॉल हुआ है इसकी फुल फॉर्म लिखना अपने पास पूछूंगा बाद में। नोड पैकेज मैं क्या बात मैनेजर नोड पैकेज मैनेजर NPM की फुल फॉर्म है क्या है वो थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं आगे स्क्रिप्ट पे जब आ रहा हूँ डिस्कस करते हैं अभी नोड जेएस चेक किया मैंने तो इसका मतलब हमारे पास नोड जेएस से चल रही है ठीक है जी
पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हैं हम और इसका बजट भी डिमांड कर सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कहाँ चलाना इसको? कमांड टर्मिनल भाई, टर्मिनल हमने सीख लिया है। टर्मिनल कौन है भाई? कौन है? दोस्त है हमारा। npm install माइनस माइनस global type script ऐसे का अगर वाली चीज ऑप्शन है ना भी लगभग अभी चल रहा है। npm सिर्फ इंस्टॉल समझ आ रहा है कि भाई कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं और क्या इंस्टॉल कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं? npm से। अब आता है वो सवाल, फॉर्म लिखवा दी मैंने, पूछना किसी से भी पीछे वाले देख सकते हैं मुझे यार पीछे में जब आऊंगा ना तब आप लोगों में से लेकर आऊंगा किसी को। हाँ छोड़ रहा हूँ जी। आप बताइए ऑरेंज शर्ट जो सिक्स रो में बैठे हैं जी, खड़े हो जाए। ऑरेंज आपकी है ना? ऑरेंज है रेड है किसी बहुत पता नहीं चलता ना कौन बोल रहा है। अच्छा npm install minus minus global typescript npm का मतलब है वो पैकेज मैनेजर। हम क्या कर रहे हैं? typescript को इंस्टॉल कर रहे हैं npm से। npm का क्या मतलब है? वो पैकेज मैनेजर। मैं आता हूँ यहाँ पे सर्च करता हूँ npm। अच्छा यहाँ पे तुम्हारा वीडियो होता है मुझे थोड़ी देखिए स्क्रीन जो है स्लो करनी पड़ेगी सिंपल में ही गूगल पे सर्च किया npm, ये npm की वेबसाइट खुल गई। npm एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग अपनी अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अपने पैकेजेस बनाते हैं, अपने कोड लिख के अपलोड करते हैं ताकि दूसरे डेवलपर्स यूज कर सकें उसे। तो टाइप स्क्रिप्ट भी किसने बनाई है? 1995 किसने बनाई है टाइप स्क्रिप्ट? npm को कोई कंपनी नहीं सोचे, टाइप स्क्रिप्ट किस कंपनी ने बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट। टाइप स्क्रिप्ट आपने जावास्क्रिप्ट का बनाया था। यहाँ पर मैंने सर्च किया टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट इन्होंने बना के अपलोड करेंगे। आप देखना कितने सारे पैकेजेस अपलोड हैं, 6000 तो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। मिलियंस ऑफ पैकेजेस हैं जो हम आगे चलते और डिटेल में देखेंगे, पर टाइप स्क्रिप्ट हमने यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो कहने का गया npm आई नीड टू इंस्टॉल इट टू ये लाना कितने डाउनलोड है जी? 39 million कितने मिलियन डाउनलोड है सिर्फ में। तो मैंने कुछ अच्छी चीज़ पढ़ा है, ऐसे नहीं मैं लंबी लंबी कह रहा हूँ, दे दिया मैंने। लास्ट चीज है कि ग्लोबल दुनिया दुनिया नहीं है भाई, एक ग्लोबल का मतलब ये कि मैं ये अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ जिसका मतलब, और इस तरह से इंस्टॉल कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी भी फोल्डर में टाइप स्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूँ। पूरा कंप्यूटर में कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में टाइप स्क्रिप्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ग्लोबल का साइन किया। तो ग्लोबल ये कर रहा है कि आप कंप्यूटर में यूज करना चाहते हैं, एंटर किया बस ये कमांड चला के एंटर कर दो आप।
कितने लोग हैं सर हमारे? आप लोगों ने यहाँ बताया था जो आपकी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी, ऐसे ही नहीं, विंडोज 7 अब पुरानी हो गई है, उस पर आपके प्रोग्राम्स नहीं चलेंगे, अपडेट करके विंडोज 10 करें। विंडोज 7 पे कुछ ना कुछ चल रहा था, लेकिन फिर आपको आगे जाके वो मसले आते रहेंगे, आगे की चीजें नहीं चलेंगे, तो अपडेट कर रखें विंडोज को। इंस्टॉल हो गई है मेरे पास, इंटरनेट होना चाहिए, चेक कर लिया मुझे इंस्टॉल हो गया था उसके नहीं हुई। ये बाइक आज सिर्फ का वर्जन आ गया आपके पास, पीएससी माइनस वी, मोड जैसी क्या कमांड थी, मोड माइनस वी। तो जब भी हमें मोड जैसे रिलेटेड कोई भी काम करना होगा, तो हम अपने कमांड, इसको हम कमांड कहते हैं। तो किससे स्टार्ट करेंगे, मोड से स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड, अगर मुझे टाइप स्क्रिप्ट की कमांड चलानी है तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, टीएस। ये इंस्टॉलेशन कंज्यूम इंस्टॉल करके आता लगाते हैं, ठीक है, टीएससी। हाँ, आपके पास इंस्टॉल नहीं टाइप स्क्रिप्ट, इसका ये मतलब है अगर आपके पास टीएससी माइनस वी लिखने का आ रहा है कि ये वर्जन नहीं आ रहा, एरर आ रहा है, उसके मतलब ये आपके पास टाइम स्क्रिप्ट नहीं है। क्या आ रहा है, क्या लिखने पे, एनपीएक्स, एनपीएम लिखना, एनपीएक्स अलग चीज है, टाइप स्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल होगा, एनपीएक्स अलग चीज है, तो हम आगे तो बना रहे हैं, यही तो बताया ग्लोबल एनपीएम है ना, नेट होना चाहिए, इसमें नेट होना चाहिए, एनपीएक्स बिल्कुल अलग चीज है, उसका इससे ताल्लुक नहीं है। एनपीएक्स जो है ना वो डायरेक्ट आपका वहां पे देख लीजिए, एनपीएम की वेबसाइट पे जाकर सर्च करना, एनपीएक्स नहीं यूज करना। अगर आपका एनपीएक्स से वर्जन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास इंस्टॉल नहीं है, आप इंस्टॉल करें। इंटर ब्रो, आपके पास लैपटॉप है ना, इनके पास जाने यार इनका प्रॉब्लम देखो, आप जो जाने से पहले उससे पूछ रहे हो कौन है, कृपा डेस्कटॉप गिफ्ट का पार बनाइए, कृपा डेस्कटॉप जो कि आपको आपको को गिफ्ट हब पर अपलोड करने में हेल्प करता है, वैसे ही जैसे गिफ्ट हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे जो है सभा और ननाल, वहाँ से भी किसी का सवाल है तो आप लोग वो भी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, अभी तक इंस्टॉलेशन ही करिए, मुझे नहीं देखें प्रोग्राम को देख के लिए आगे चलते हैं। लास्ट सॉफ्टवेयर बताना पड़ता है ना ताकि आप लोग अच्छे से सीख लें। टीएससी माइनस माइनस वर्जन भी कोई चीज है, वर्जन दिखा रहे हैं कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपके पास, इस तरह से शुरू हुआ, ठीक है, ये सब हमने देख लिया और वर्जन लगा रहा हूँ, सबसे लास्ट में मेंशन। लास्ट चीज वीएस कोड इंस्टॉलेशन, कोड जिसमें हम लिखेंगे उसको भी तो इंस्टॉल करना है ना, तो भाई इसका लिंक दिया है स्लाइड से, अगर आप जो है यहाँ पे लिंक पे चाहिए या गूगल पे लिखो वीएस कोड, बस वीएस कोड लिखो, एंटर करो, आपके पास वीएस कोड की वेबसाइट आ जाएगी। आपने सीख कर लगी वो ही डाउनलोड 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 वन टाइम है, एक बार कर लो फिर सुख लेंगे जिंदगी में। आपको टीचर बन गए तो फिर आप 1500-2000 लोगों को करा रहे होंगे, तो मैं इस तरह से यहाँ पे देखो जो मैं लिंक से गया हूँ वहाँ पे भी आपने बस विंडोज से डाउनलोड करना है। ये मैंने स्लाइड से जो लिंक खोला ना, ये बंद कर देते वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, आप एक आ करते हैं नेक्स्ट 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 फिनिश। आगे ये सर्च भी लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं इसको और बस फिनिश कर। अच्छा, वीएस कोड कैसे चेक करूं, यार
एक्सटेंशन ये भी आप कर सकते हैं इंस्टॉल, इसको करने का तरीका ये है। मैंने आज तक यूज नहीं करी तो लेकिन कोई भी आपकी हेल्प हो सकती है। मैं नोट करता हूँ, ये आ गया एक्सटेंशन सबके पास आ रहे हैं। एक्सटेंशन में जाके वहाँ पे मैंने लिखा है टाइप स्क्रिप्ट। ये जो पहले पैकेज है इसको इंस्टॉल कर लेना, ये ऑप्शन है। मेन जो शुरू वाली चीजें थी हमारे बना है, रन कर देते हैं इसको, इसको भी रन कर देते हैं। हमारा प्ले स्टोर दिख रहा है, पहले से चल रहा था, इसको रन करो, इसको भी रन करो। अब हम प्ले स्टोर ऐसे तो नहीं कर रहे, ऐसे मान लो कि आप तो यार आप लोग तो कितनी बढ़ने ही लगे ना, किससे बोलेंगे जैसे कमांड क्लाउ कह ले, टर्मिनल कह ले, क्यों नहीं दिखेंगे तो हम टर्मिनल से बोलेंगे। अब सोचो आप बढ़ जाके दिखा दो अपने बड़े भाई छोटे भाई को, बड़ी बहन छोटी बहन के भाई के देखो टर्मिनल है, आप उससे भी इसको बोलेंगे। अच्छा तरीके का क्या होगा, कोई भी एक फोल्डर बना लो, मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया है GIARC के नाम से, आप लोग कुछ भी बना लो भाई। फोल्डर का नाम जब भी रखो तो भाई स्मॉल में रखो, कोई डिजाइनिंग नहीं करना, स्पेस नहीं ऐड करना, सिंपल इस तरह का नाम रखना जब भी फोल्डर का नाम रखो। ये आगे चल के मसले करते हैं, और हम डेवलपर्स हैं, हम ऐसे ही नाम स्मॉल में लिखते हैं। अगर हमने स्पेस देना ना तो हम स्पेस नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, डैश माइनस का जो साइन होगा राइट में। अच्छा ये मैंने एक फोल्डर बना लिया GIARC, इसके अंदर आके क्योंकि भाई हमने तीन काम कर लिया आगे भाई बहुत क्लास है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ प्रोजेक्ट 00 में आया है। मेरे सामने है ये जो ऊपर सर्च बार है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां से सब चीजें हटा के मैं क्या लिखूंगा, दोस्त का नाम CMD। जब मैंने लिखा और एंटर दबाया तो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट कौन से फोल्डर के अंदर खुला है, प्रोजेक्ट 00 के अंदर खुला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर बना है ना, इसी के अंदर क्या खुल जाए, VS Code, क्या लिखूं, code space dot। यार आप लोग बोलोगे सर यार इतनी कमांड लिखाए जा रहे हैं याद कैसे होंगे, सिंपल का जवाब है भाई उर्दू लैंग्वेज आपने याद कर रखे नहीं, बोलते बोलते सुनते सुनते करते करते आ गए ना। ये भी जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक याद नहीं रहेगा, अरे याद कुछ से हो जाती है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या लिखा मैंने, कोड स्पेस डॉट, जब भी मुझे VS Code की कमांड चलानी थी मैं कोड से स्टार्ट करता हूँ जी। आप जो कंप्यूटर में बड़े फोकस करके बैठे हैं स्पेस डॉट एंटर।
क्या है? लूट का हमें समझ आ गया भाई, यूएस कोड। डॉट का मतलब यह है कि भाई जिस फोल्डर में अभी हम है ना उसको यूएस कोड पे खोल दे, करंट डायरेक्टरी को खोल दे। तो अब देखते हैं यूएस कोड पे क्या खुला है, क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट 00, तो वहाँ प्रोजेक्ट 00 का फोल्डर खोलिए यूएस कोड पे। अब मुझे फाइल स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, उसके लिए हमारे वही हमने एक आइकन दिया हुआ है न्यू फाइल, इसमें मैं क्लिक करूंगा। फाइल का नाम मैं लिखूंगा, इमेज की कौन सी फाइल होती है, डॉट पीएनजी, जेपीईजी, जेपीजी। फाइल स्क्रिप्ट क्या होगी, टीएस। ये भाई आपके पास एक फाइल बन गई है। अब यही फाइल अगर आप अपने प्रोजेक्ट 00 के अंदर आके देखो ना, ये फोल्डर नेम बनाया था जो खाली था, देखो यहाँ पे क्या आ गया, नेम जो कि मैंने यहाँ से बनाया है, ये सोच क्यों मैं सोच से बनाएंगे, ये मेरे पास फाइल बन गई। अब मैं ऐसा कोड लिखने जा रहा हूँ जो कि आपका जिंदगी भर साथ देगा। कंसोल डॉट लॉग ये आपके पास एक पीस ऑफ कोड है जो फाइल स्क्रिप्ट ने बना बनाया आपको दिया। जब आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हो ये आपके पास यूज होता है कोई भी चीज प्रिंट कराने के लिए। प्रिंट का क्या मतलब है, देख लेना इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हम हेलो, मतलब डबल कोट्स आपने लाजमी लगा है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स लगा देता हूँ, सिंगल कोट से भी चल जाएगा डबल कोट से भी चल जाएगा। इन राउंड ब्रैकेट के अंदर जब मैं हेलो वर्ड लिखूंगा और लास्ट में सेमी कॉलन लगा दूँ, ये भाई आपने पहला अपना प्रोग्राम लिख लिया, लेकिन जब तक चलेगा नहीं तब तक हम यकीन नहीं करेंगे। अच्छा मैंने ये बोला कि भाई ये लाइन क्या कर रही है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रही है, कहाँ प्रिंट कर रही है देखते हैं। तो इसको चलाने के लिए क्या करूं, एक चीज है जावा एक चीज है जावा स्क्रिप्ट, दोनों अलग अलग चीज है, हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जी। अब वही क्या करो, टर्मिनल को आओ, टर्मिनल यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर आने के बाद टर्मिनल पे जाता हूँ। अच्छा जब आप शुरू शुरू में चलाओगे ना आपका चलेगा नहीं, पहले मैं इसको ना आपके हिसाब से सेटअप कर देता हूँ, जैसे आपके पास अभी हुआ होगा ऐसे देखने जब आप हेलो वर्ड लिखोगे ना, आप एक चीज नोट कर लो, एक नई चीज आ गई है, देख लो ये एक इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि भाई आपकी फाइल सेव नहीं है, इसको सेव कर लो। सेव करने के लिए क्या है, कंट्रोल एस दबाओ, ये सेव हो गया। तो जब भी आप कुछ कोड लिखोगे आपके पास वो इंडिकेटर भी आ जाएगा, आपने हर दफा कोड को कंट्रोल एस दबा के सेव करना है, वरना आपका कोड चलेगा नहीं, सेव नहीं होगा। कंट्रोल एस से ही आपके पास सेव हो रहा है। टर्मिनल पे आता हूँ मैं, अब क्या ये नए लोगों के लिए अलग चीज है कि भाई बार बार सेव करो, एक डॉट भी लगाओ तब भी सेव करो, कुछ भी लगाओ सेव करना। अब ये चीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, आपने ऊपर जाने है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया होगा फाइल, फाइल पे जाने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है ऑटो सेव, कि भाई इसको ऑटोमेटिकली सेव कर लो, मेरा सर्वर नहीं कर। तो हेलो वर्ल्ड मैंने लिख लिया, अब ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, जो मैं जब मैं जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने क्या चीज बोली थी, टाइप स्क्रिप्ट चला सकता हूँ मैं, क्या करूंगा
टाइप स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? फिर से वही पूरा लेंस लगाकर टर्मिनल बोलते हैं काम। ये रखा हुआ आपके पास टर्मिनल, यहाँ पर आने के बाद आपने ये जो न्यू टर्मिनल है इसके चले, इसकी शॉर्ट टीम भी लिखी हुई, मैं यहीं से क्लिक करके बोल देता हूँ। ये आपके पास टर्मिनल है, चलिए मैं बहुत जूम हुआ है तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि हमारा फोकस अभी टर्मिनल पर। टर्मिनल वही जैसे ये बाहर वाला टर्मिनल था ना वैसे अंदर आया, इसके अंदर मुझे टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन देखना है ये भाई आपने हेलो वर्ल्ड बनाया है, आप ये बनाओगे ना?
जो मैं कह रहा था ना कंस्यूमर का क्या करता है, क्रीम करता है, तो क्रीम ये करता है, लेकिन आप टर्मिनल पे देख रहे हैं। अब उन्होंने एक सवाल करा था यार, अच्छा ये जो है ना, हो सकता है आप लोग कह रहे हो ये कैसा तरीका है प्रोग्राम चलाने का, हम तो सोच के आए थे कि भाई ये ग्लासेस पहनेंगे, हम मेटावर्स में घूम रहे होंगे और जो है वेबसाइट्स बना रहे होंगे, ये क्या तरीके है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आपको HTML, CSS, JavaScript बनाना है और उस पर आपको TypeScript बनाना सीखना, TypeScript सीखना। उसमें मसला ये होता है कि नया जो बंदा आता है ना, उसका अगर हम HTML भी पढ़ाए CSS भी पढ़ाए तो कंफ्यूज हो जाए, अंडा हमारे पास इतना टाइम है। तो हमने HTML, CSS को आपको घर से पढ़ने को दिया है। अब ऐसा नहीं कि भाई आज ही जाके करना है, नहीं, तीन महीने का टाइम है अभी, HTML CSS फोकस नहीं है, HTML CSS आएगी अगले क्वार्टर में, तीन महीने बाद। असल जो आपका फोकस है TypeScript में, HTML CSS एक हफ्ते की मांग है, बहुत आसान है। TypeScript इन तीनों में से सबसे मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अच्छे से करो ना, अच्छे से समझो और इतने अच्छे टीचर से पढ़ो तो आ ही जाएगी कुछ ना कुछ। अच्छा सही, तो नहीं इस तरह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करनी, जल्दी से आप लोग क्या करिए, हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट कर लिया जो मैंने किया है, हम लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप लोग इसके नीचे एक और चीज प्रिंट कराएं, हेलो आपका नाम, जैसे मैं हेलो वीजा प्रिंट करूंगा। अभी तो नहीं, 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 नहीं।
एचटीएमएल सीएसएस हम इसके लिए पढ़ रहे हैं कि जो है टाइप स्क्रिप्ट, आप लोगों को सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पर फोकस करना है। तो टाइप स्क्रिप्ट पर जब आप फोकस करोगे तो उसके अंदर अब आपकी ना वेबसाइट बनेगी ना आपकी एप्लीकेशन बनेगी। अभी आप इंग्रीडियंट्स सीख रहे हो बिरयानी बनाने के, वेबसाइट बनाने के लिए, तो इंग्रीडियंट में आप हुआ तो ट्राई होगा ना, बिरयानी बोलना मुश्किल है तो कब पड़ेगी जब मैं पीछे की रंगे उठाऊंगा कि स्क्रीन पर बुलाऊंगा। कितने लोगों का हो गया? हेलो जी, हो रहा है या हो गया? नोड मेन नोड बेस ये बात कोई मसला नहीं है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी मैं अगर आपको बताऊँ सी ड्राइव पे आप जाओ, सी ड्राइव में रखी थी और वन ड्राइव में रखी, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें चाहे भी कुछ चीज़ फॉर्मेट हो गई इसी बात पर जाके फोल्डर बनाए अपने नाम का या जी आई एल सी, उस पर काम करना स्टार्ट करें। पहले टीएससी फिर हमने लिखना नोट
डब्बों में, डब्बों में रखते हो ताकि जो है आपको वो मसाले करती है, और आपको कोई भी मसाले जब भी यूज करना हो आप आराम से डालो, उसका नाम पढ़ेंगे, नाम लिखा होगा डब्बे के ऊपर, उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। बढ़ना पर बढ़ने की जगह चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भाई मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स, ये प्रॉब्लम देखते हैं मसला क्या है कि रेडीमेड वेरिएबल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। जो मैं लिखा रहे यहाँ पे दस जगह, मैं चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मैं हेलो लिखना, अब मुझे याद रखना पड़ेगा दस की दस जगहों पे जाके हेलो वर्ल्ड पर पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल बिल्कुल उसी तरह से जैसे मसाले का डब्बा होता है ना, उसके अंदर आप मसाले स्टोर करते हो, वेरिएबल्स के अंदर आप टैक्स को स्टोर करोगे, वैल्यूज को स्टोर करोगे। कैसे? सबसे पहले आपने लिखना है लेट की स्पेलिंग यही होनी चाहिए, इस मॉल से लिखना है। उसके बाद डब्बे का नाम, अपने डब्बे का नाम लिख देना, फिलहाल मैसेज मैं भाई मसाले वसाले भी नहीं डाल रहा, लिख देंगी मैसेज मैं भी नाम लिख दूँ। उसके बाद मुझे बताना है इस डब्बे के अंदर क्या चीज स्टोर करेंगे, तो उसको बताने के लिए एक प्रश्न लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो जी, मैं मास्क पहना हूँ, आपसे बोला मैं आप पीछे देख रही हूँ जी सर, ये जो आगे बैठे हैं सब आपको कर रहे हैं, आप नहीं छठी सातवीं बोल रही क्या, मेरा कर देगा हाँ हाँ आपसे बात करें खड़ी हो जाए, सॉरी आपको तकलीफ दी, आप आगे जो है आप बैठिए, आप बैठिए उनसे बात करें, ठीक है। क्या लगती है इन्वर्टेड कॉमास डिस्प्ले है मैं यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल क्वोट्स या इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ, यही है चार कॉमा भी लगा दें, अब सही है इसको पूरे को ब्रैकेट में लिखूं, और कुछ स्टार अंडर स्कोर 1 2 3 कुछ भी नहीं, बस फाइनल है और कर दूं स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा सही कह रहे हैं आप,
अभी बस मैं इसको कवर कर रहा हूँ, फिर आता आपकी बात है। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं हिंदू लोग इसलिए कह रहे हैं कि ये मैसेज डब्बे का नाम है, और जो भी वो मसाले के डब्बे की बात कर रहे हैं, तो इस नाम को मैंने यहाँ कंसोल पर प्रिंट करा तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू वर्ण आ गए होंगे इसके अंदर चीज जो शोर होगी। अब वहां पर वो साहब कह रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं सर, डबल कोट्स में यहाँ से हटा देंगे। इसी तरह से मैं चाहूँगा
अपने टाइम स्क्रीन का खराब फीचर मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ। टाइम स्क्रीन के लिए कुछ ना कुछ सेटिंग्स करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इसकी एक फाइल होती है, उसको बनाने के लिए अगेन कमांड लिखेंगे पीएससी माइनस माइनस एनीवेयर। पहले से बहुत सारा कोड लिखा है, ये अभी हम नहीं समझ रहे। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह क्या होती है। टाइम स्क्रीन की अगर मुझे कोई सेटिंग चेंज करनी है तो मैं क्लियर कंप्लीट वाली फाइल से कर सकता हूँ। तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। हमारे फोन करने के लिए मुझे मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि भाई हमने क्लियर कंप्लीट में कोई मसला अपने लिहाज से जो लोग जल्दी अभी बनाते जाएंगे
जो क्लास का लीड बना था। जब मैं यहाँ तक पहुँच रहा था तो मेरी भी यही जरूरी थी कि पहले मैं लीड बना रहा क्लास में जो है ना थोड़े मतलब भड़क रहते थे, ऐसा हो जाता ना कि मेरे क्लास का लीड है, तो वही चीज़ है थोड़ा फेमस भी हो ही गया उस दौरान। बट आप लोगों को ये क्यों करना है, आप लोगों का कहा भी नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर बैठे, मैं चाहता हूँ आप एक दिन यहाँ बैठे। और आप लोगों ने आप लोग भी इसी तरह का लेक्चर दे रहे ताकि हमें क्या करना है, ये भी हम पढ़ रहे हैं उसको हमें बांट रहे हैं ताकि जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम दे। तो हमें पूरी कम्युनिटी की हेल्प करनी है, के फायदे मैंने बता दिए थे, बाकी मैं अप्रिसिएशन के लिए बुला भी रहूँगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से प्रोडक्शन में लगाऊंगा। तो जो लोग इस कॉम्पिटिशन को कम्प्लीट करें तो मैं प्रोडक्शन भी तैयार करके लाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं हम सब ये पढ़ा क्वेश्चन है दूंगा आपको कोई मौका नहीं मिला भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत आपको मौके मिलेंगे जिसमें आप लोग इनसे आगे निकल सकते जिनको आप है तो आता है उससे आप आगे निकल सकते हैं क्योंकि आगे की टेक्नोलॉजी तो किसी को नहीं आती, तो उसमें फिर आप बराबरी का कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। अभी ये टेंशन नहीं है कि असाइनमेंट है ये क्या है जो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है लास्ट चीज देख रहे हैं आप लोगों ने बाकी लोगों ने क्या करना है, बाकी लोगों ने ये करना है नेक्स्ट क्लास से पहले तैयारी करके आएंगे इस चीज की। स्लाइड नंबर 100 पे जब आप जाएंगे, एक नंबर की सेकंड मैंने आपको बता दिया कॉम्पिटिशन में, एक मैंने बता दी स्लाइड नंबर जो कौन सी 99 ये वाला लिंक आपने खोलना है और इसके अंदर आपको अगली क्लासेस के जो जो टॉपिक्स होंगे वो मिल जाएंगे, कोड भी लिखा हुआ नहीं जाएगा, इसको देख के आपने नहीं पढ़ना स्टार्ट कर देना, वो टूट तो आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको आसानी हो। क्या टॉपिक है जैसा होता है कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को कॉपी करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, आपको वीडियो मिल जाएंगे, कोड इसके अंदर भी लिखा हुआ है, इस फोल्डर को अगर मैं पढ़ूँ तो आप देखें यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने एक एक करके स्टेप्स कवर करना स्टार्ट कर देना ताकि आपको अगली क्लासों में आसानी हो। तो यही तक हमारी क्लास थी, इंशाल्लाह आप लोगों से